पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने संस्मरण अ प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी का जिक्र किया। नर्वस छात्र से तुलना की, लिखा राहुल में टैलेंट की कमी है। ओबामा ने कहा, राहुल उस छात्र के जैसे हैं जो अपने शिक्षक को प्रभावित करने की कोशिश तो करता है लेकिन अपने विषय में महारत हासिल नहीं है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर कसा तंज, ट्विटर पर लिखा, राहुल गांधी की जैसे ही देश में बेइज्जती कम होने लगती है विदेश से बेइज्जती करवा लेते हैं। बिहार चुनाव में जीत के बाद आज एनडीए की बैठक, मीटिंग में बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी पार्टी के नेता शामिल होंगे। नई सरकार से शपथ ग्रहण की तारीख पर फैसला भी होगा। नीतीश ने पटना जेडीयू दफ्तर में पार्टी के चुने गए 43 विधायकों से मुलाकात की, अलग अलग प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से भी मिले। नीतीश ने चिराग पासवान के एनडीए में बने रहने पर नाराजगी जताई, कहा बीजेपी को फैसला लेना है। नीतीश ने माना एलजेपी के कारण जेडीयू को कई सीटों पर नुकसान हुआ, जानबूझकर उन पर प्रहार किया गया। मुख्यमंत्री पद पर खुलकर नहीं बोले नीतीश कुमार, कहा एनडीए का फैसला होगा कबूल, मेरा कोई दावा नहीं। अपने अंतिम चुनाव वाले बयान से पलटे नीतीश कुमार, का हर अंतिम चुनावी सभा में मैं बोलते रहा हूं कि अंत भला तो सब भला। तेजस्वी ने नीतीश पर निशाना साधा, कहा थोड़ी भी नैतिकता बची है तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। तेजस्वी ने कहा, चुनाव में हारे नहीं जीते हैं, जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का एनडीए के पक्ष में नतीजा आया है। तेजस्वी बोले, बीजेपी धन बल और छल के बावजूद महागठबंधन को नहीं रोक पाई, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी। पटना में आरजेडी के विधायक दल की बैठक में नेता चुने गए तेजस्वी यादव, फिर महागठबंधन के नेता पद पर भी मुहर लगी है। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी ने खारिज किया तेजस्वी का आरोप, कहा मतदाताओं ने किया जीत और हार का फैसला। बिहार में AIMIM के विजयी पांचों विधायक पहुंचे हैदराबाद, पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने ओवैसी पर हमला बोला, ट्वीट कर लिखा, वोट कटवा चुनाव ना लड़ते तो अच्छा होता। मुनव्वर राणा ने कहा, हैदराबाद से बिहार आने की क्या जरूरत थी, हिंदुस्तान में दूसरा जिन्ना नहीं पैदा होने देंगे। तारिक अनवर के बयान पर कांग्रेस की सफाई, पी चिदम्बरम ने कहा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। जयराम रमेश ने भी कहा, कांग्रेस कर सकती थी और बेहतर प्रदर्शन, जनता ने महागठबंधन के मुद्दे को नहीं नकारा है। बिहार में हार के बाद बोले कांग्रेस में उठे सवाल, तारिक अनवर ने पार्टी को आत्मचिंतन करने की सलाह दी, बिहार में ओबीसी की एंट्री को शुभ नहीं बताया। तारिक अनवर ने सवाल उठाया, कहा कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन की वजह से नहीं बनी महागठबंधन की सरकार। जीतन राम मांझी, हम पार्टी के नेता चुने गए, कहा कोई मंत्री पद नहीं करेंगे स्वीकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस की हालत लगातार खराब हो रही है, राहुल गांधी को चिंतन करने की जरूरत। पीएम मोदी ने जेएनयू कैंपस में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। पीएम मोदी ने छात्रों को किया संबोधित, कहा राष्ट्रहित से ज्यादा अपनी विचारधारा को प्राथमिक देने से देश को नुकसान पहुंचा है। पीएम ने जेएनयू छात्रों को इमरजेंसी की याद दिलाई, कहा मुश्किल समय में अलग अलग विचारधारा के लोग भी साथ आए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की, 10 आसियान देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा, आसियान समूह शुरू से रहा है हमारी एक्ट इस पॉलिसी का मूल केंद्र। 30 नवंबर को होने वाली वर्चुअल SCO समिट की मेजबानी करेगा भारत, सभी 8 सदस्य देशों ने न्योता लिया। म्यांमार चुनावों में आंग सांग सूकी की पार्टी की जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी, कहा लोकतांत्रिक परिवर्तन का एक और कदम। पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ, अलीपुर द्वार में उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, गाड़ी किसी से चकनाचूर। काफिले में पीछे की दो गाड़ियों पर फेंके गए पत्थर, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने काले झंडे दिखाकर काफिले पर पथराव करने का आरोप लगा है। दिलीप घोष ने कहा, हमला कोई नई बात नहीं है, ममता सरकार गाड़ियां तोड़ सकती है, मनोबल नहीं। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, अलीपुर द्वार में दिलीप घोष के काफिले पर हमले का विरोध किया। बंगाल के दुर्गापुर में TMC के दो गुटों में झड़प, एक कार्यकर्ता की मौत, दो गंभीर रूप से घायल। ममता की पार्टी में चरम पर गुटबाजी, हरिपाल सीट से TMC विधायक बेचारा मान्ना ने दिया इस्तीफा। ममता सरकार में नंबर दो शुभेंदु अधिकारी के बगावती तेवर, नंदीग्राम दिवस के दिन मिदनापुर में पार्टी से अलग ही अपनी जनसभा की। ममता कैबिनेट की बैठक में नहीं जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की चर्चा। भारत के दबाव का असर, पाकिस्तान ने 1210 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट जारी की, पहले 19 नाम मुंबई आतंकी हमले से जुड़े हुए हैं। आर्मी चीफ MM नरवने के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। भदौरिया ने गुजरात में नए एयरबेस के इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन किया, पाकिस्तानी सीमा के पास बना है DSI एयरबेस। जम्मू में होने वाले DDC चुनावों पर DGP की बैठक, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। पंजाब के किसान संगठन कृषि कानून पर आज दिल्ली में कृषि मंत्री से करेंगे बातचीत, रेल मंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। पंजाब के अमृतसर में कृषि कानून के खिलाफ किसान मजदूर संघर्ष समिति का प्रदर्शन, काली दिवाली डे के झंडे और बैनर दिखाकर विरोध जताया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक साधु पर आश्रम में घुसकर हमला किया गया, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती।
साधु से मारपीट की वजह अभी साफ नहीं है। 7 से 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। यूपी में पीएससी में तैनात डीआईजी अनंत देव तिवारी सस्पेंड। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई। विकास दुबे के साथ मिलीभगत का आरोप लगा है। माओवादी विचारक वरवरा राव को राहत नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिहा करने की याचिका ठुकराई। बेंगलुरु हिंसा में कांग्रेस नेता पर शिकंजा। कर्नाटक के गृहमंत्री के मुताबिक लुकआउट नोटिस भी जारी। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी। आज छोटी दिवाली पर जलाए जाएंगे रिकॉर्ड 5,51,000 दिए। सीएम योगी दिए जलाएंगे। पुष्पक विमान के आकार के हेलीकॉप्टर से सरयू नदी के किनारे उतरेंगे भगवान राम लक्ष्मण और सीता। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आरती उतारेंगे। अयोध्या में सरयू नदी पर आरती भी उतारेंगे योगी। राम मंदिर के सामने दिए भी जलाएंगे। आज अयोध्या के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं सीएम योगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का भी कर सकते हैं ऐलान। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां पूरी। दुल्हन की तरह सजी रामनगरी। ड्रोन से ली गई तस्वीर। अयोध्या में जगह जगह गेट बनाए गए। भव्य लाइटिंग से रोशन रामनगरी। राम की भव्य रंगोली भी बनाई गई। अयोध्या की राम की पैड़ी में भी दीपोत्सव पर रंग बिरंगी रोशनी से सजाई गई है। लाइटिंग और लेजर शो के जरिए जबरदस्त नजारा दिख रहा है। दिवाली पर सजा बाबा बद्रीनाथ का दरबार। दीपावली पर की गई मां लक्ष्मी की विशेष पूजा। भक्तों ने बाबा के दर्शन भी किए। धनतेरस पर देश भर के बाजारों में उमड़ी भीड़। दिल्ली के आईटीओ पर लंबा जाम लगा। घंटों फंसे लगे लोग। धनतेरस के दिन दिल्ली के बाजारों में उमड़ी भारी भीड़। लाजपत नगर मार्केट से लेकर सरोजिनी नगर मार्केट तक लोग खचाखच। मुंबई में भी दिवाली से पहले बाजारों में भारी भीड़। बिना मास्क लगाए खुलेआम घूम रहे हैं लोग। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धनतेरस पर पत्नी साधना सिंह के साथ खरीदारी की। चांदी का सिक्का और बर्तन खरीदा। लखनऊ में दिवाली के मौके पर एक्शन में पुलिस। गोमती नगर में एक शॉपिंग मॉल में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। गाजियाबाद में लोगों को कोरोना का खौफ नहीं। धनतेरस और दिवाली की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। कानपुर में भी दिवाली की खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ी। बाजार में कोरोना के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। तमिलनाडु के मदुरई में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं। दिवाली की शॉपिंग के लिए लोग घर से बाहर निकले। कर्नाटक के कलबुर्गी में लोगों को कोरोना का खौफ नहीं। सुपरमार्केट में उमड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने गाया ओम जय जगदीश हरे भजन। दिवाली की शुभकामनाएं दी। गाने के दौरान भारतीय परिधान में नजर आ रही है मैरी मिलबेन। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वीडियो। दिल्ली में कोरोना का कहर। एक दिन में 104 लोगों की मौत। कोरोना काल में दिल्ली में एक दिन में सबसे अधिक मौत का आंकड़ा। दिल्ली में एक दिन में 7,053 नए केस। राजधानी में एक्टिव केस की संख्या 43,116 हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को 33 निजी अस्पतालों में 80% आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने की मंजूरी दी। सिंगल जज के फैसले पर रोक लगाई। कांग्रेस नेता सचिन पायलट कोरोना पॉजिटिव हुए। खुद ट्वीट करके जानकारी दी। संपर्क में आए लोगों को टेस्ट करने की सलाह दी। देश में एक दिन में कोरोना के 44,878 नए पॉजिटिव केस आए हैं और 547 मरीजों ने दम तोड़ा है। देश में कोरोना का ग्राफ 87,28,000 के पार पहुंचा। 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 4,496 लोग संक्रमित हुए। 122 लोगों की जान गई है। उत्तराखंड के सीएम ने कोरोना संक्रमण पर बैठक की। सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी होगा। तेलंगाना में भी दिवाली पर पटाखे जलाने पर रोक लगी है। कोर्ट ने बैन लगाया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं। कई इलाकों में छाया स्मॉग। नोएडा गाजियाबाद और फरीदाबाद में AQI बेहद खराब। दिल्ली सरकार ने जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया। होम आइसोलेशन के कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचने में मदद मिलेगी। जीवन सेवा ऐप पर मुफ्त में ई वाहन सेवा। अस्पताल जाने के लिए फ्री में ई वाहन बुक कर पाएंगे कोरोना मरीज। मुंबई से सटे विरार एटीएम कैश वैन का ड्राइवर 4 करोड़ रुपए लेकर फरार हुआ। पुलिस ने तलाशी के लिए टीम का गठन भी किया। यूपी के गोंडा में अवैध शराब जब्त करने गई एक्साइज टीम पर हमला। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। कच्ची शराब पकड़ने गई एक्साइज टीम पर ग्राम प्रधान और उसके सहयोगी ने हमला बोला। किसी तरह जान बचाकर भागी टीम। इंदौर में पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी। गाड़ी के दरवाजे से टकराने पर एक बाइक सवार की जमकर पिटाई की। पुलिस की लापरवाही से ही गिरा था बाइक सवार। मुंबई के कांदिवली में 2 लोगों ने मोबाइल स्नैचिंग करने पर पकड़े गए। पीड़ित के पकड़ने पर स्कूटी से गिरे। बाद में नंबर प्लेट के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगरा में बदला लेने के लिए रेप पीड़ित ने युवक पर फेंका तेजाब। 7 आए आरोपी की बहन झुलसी। कोर्ट के बाहर भीड़ गए थे दोनों पक्ष। दिल्ली के गांधीनगर में कपड़े के गोदाम में लगा भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। तंग गली में होने की वजह से आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक ऑयल मिल में भीषण आग लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेरठ में पुलिस ने अवैध पटाखों के गोदाम में छापा मारा। 20 लाख रुपए के पटाखे बरामद हुए। रामेश्वरम के पंबन ब्रिज में समंदर में 2 क्रेनों की टक्कर। ब्रिज के मरम्मत का काम कर रहे थे।
अमेरिका के कैरोलिना में भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। नॉर्थ कैरोलिना में भारी बारिश से बिगड़े हालात, जगह जगह पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। इटली में फिर बड़ा कोरोना का प्रकोप, पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 लाख के पार पहुंची। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना केस बढ़ने पर सख्ती, गवर्नर ने रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट और बार बंद करने के आदेश दिए। यूएई से लौटने पर मुंबई एयरपोर्ट पर रोके गए क्रिकेटर कृणाल पांड्या, सोना और कई दूसरे सामान बरामद किए। एक्टर आसिफ बसरा ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अपने घर में खुदकुशी की। जब भी मैट, काईपोचे समेत कई फिल्मों में निभाई है बेहतरीन रोल। करीना, प्रियंका और अनुष्का शर्मा समेत बॉलीवुड की कई हस्तियों ने दी आसिफ को श्रद्धांजलि। मनोज वाजपेयी ने कहा शॉकिंग। और दिवाली से पहले